फरवरी को बिहार विधानसभा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है और उसके पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। सभी दल अपने अपने विधायकों को सहेजने में लग गए हैं। 11 फरवरी को पूरे दिन पटना से गया तक और हैदराबाद से पटना तक हलचल होती रही। आइए रविवार को पटना में पूरे दिन चली सियासी हलचल को आपको भी दिखाते हैं। बारह फरवरी यानी नीतीश कुमार की नई सरकार के विश्वास मत की तारीख। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया के शुरू होने में अब भी चंद घंटे बाकी, लेकिन बिहार की सियासत में हलचल तेज है। कोई चुनौती दे रहा है तो कोई ऑन द फ्लोर चमक दिखाने का दावा कर रहा है। कई दिनों से अपने अपने विधायकों को सहेजने में जुटे राजनीतिक दलों के लिए 11 फरवरी को पटना सियासत का केंद्र रहा। मंत्री विजय चौधरी के घर पर जेडीयू विधायकों का महाभोज हुआ। इक्का दुक्का विधायकों को छोड़ दिया जाए तो शालिनी मिश्रा जैसे विधायक भी समय पर भोज में पहुंच गयी, जिनके इधर उधर होने की अटकलें लगाई जा रही थी। नेतृत्व को पता था और भोज में नहीं आई, तब भी नेतृत्व का एक बार भी फोन नहीं आया कि आप क्यों नहीं आए। आप पत्रकार बंधुओं का इतना प्यार दुलार मेरे प्रति है कि सबका फोन आता रहा। विधानसभा में क्या होगा कल? 1000% वी आर गोइंग टू विन एंड वी आर गोइंग टू अचीव विक्ट्री साइन पहले ही लिख। विजय चौधरी के आवास पर हुए भोज में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में विधायकों को भरोसा दिलाया कि आसानी से बहुमत पा लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कि हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे, जो दो तीन विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे। जेडीयू की तरफ से जहां दो दिन से विधायकों को भोज दिया जा रहा है, तो वहीं आरजेडी के विधायक पहले से तेजस्वी यादव के आवास पर हैं, जहां हर तरह के खाने पीने और आराम की व्यवस्था है। विधायकों को बाहर निकलने की आजादी तो शायद नहीं है, लेकिन सांसद और एमएलसी बीच बीच में बाहर जरूर आते हैं और बयानों के जरिए सियासी माहौल को गर्मा कर एक बार फिर अंदर चले जाते हैं। स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। टूट के डर से कई दिनों तक दक्षिण भारत के टूर पर रहे कांग्रेस के विधायक भी सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट के पहले रविवार को पटना लौट आए। वहीं दो दिन के प्रशिक्षण के बाद बीजेपी के विधायक भी गया से पटना लौटे। बीजेपी के नेताओं का साफ साफ कहना है कि एनडीए के विधायक एकजुट हैं। सोमवार को एनडीए की सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखे, अपना घर बचाए, कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। 12 को होने वाले फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले बिहार में सियासी हलचल तेज रही और राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए गए। फिलहाल नीतीश की एनडीए सरकार के साथ 128 विधायकों का समर्थन दिख रहा है, लेकिन सबकी निगाहें 12 तारीख को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।